नमस्कार, मैं पंकज कुमार मुखिया। आज हम लोग विशेष अभी चुनावी अभियान चल रहा है, तो इस चुनावी अभियान में हम छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के चलते हैं और वाजिब मेरा मुद्दा भी है और आप लोगों को भी जैसा लग रहा है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। तो अभी हम विशेष तौर पर आज जो मेरा इस वीडियो में बताया जाएगा वह प्रधानमंत्री आवास से संबंधित होगा कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या क्या कैसे कैसे है, उसका स्टेटस क्या है। क्योंकि हर भाषण में गवर्नमेंट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वह जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं इतना आवास बनवा दिया, तो इसका आवास का योजना का क्या लाभ लाभान्वित पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है, लाभार्थी इसका लाभ उठा पाए हैं कि नहीं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यह एक ऐसा योजना है जो गरीबों का योजना है जिसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिलता है और एक बहुत अच्छा और जानकारी रखने के लिए। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास से संबंधित योजना और मेरा जिला बिहार का एकमात्र, भारत का कहिए, भारत का एकमात्र जिला मुजफ्फरपुर जिला है जिससे को प्रधानमंत्री आवास से तो वंचित ही कर दिया। इससे वंचित करने के बाद और हम डाटा को देखे हैं कि क्या सभी डाटा क्या कहता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2005 से 2011 तक गवर्नमेंट जिसकी थी वह टारगेट किया था कि मैं इतना दिन में 1,80,00,000 का घर बनाऊंगा, लेकिन वह बनाया 1,56,00,000 मात्र, इसमें भी 24,00,000 घर नहीं बन पाया। फिर गवर्नमेंट जब आई तो 2015 से 2023 तक 4,00,00,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया और यह 4,00,00,000 जो घर बनाने का लक्ष्य रखा गया यह शहरी एवं ग्रामीण दोनों इलाके के लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है और प्रधानमंत्री आवास जो होता है वह शहरी होता है। तो इस दोनों को हमने सर्च किया तो प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण योजना में, जब मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के वेबसाइट पे गया तो इसके वेबसाइट पे जाने के बाद कितना बना है इसका एग्जैक्ट डाटा भी नहीं चल रहा है और उसके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि लास्ट अपडेट जो किया गया है वह 5/6/2021 को ही किया गया है, उसके बाद इस पर कोई अपडेट अभी तक नहीं किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है एक महत्वपूर्ण योजना, यह गरीबों का योजना है जो डायरेक्ट बेनिफिट उठा रहे हैं उसको गरीबों से वंचित कर दिया जा रहा है और भाषण में मोदी जी के भाषण में कि मैं इतना घर बनाऊंगा इतना करूंगा, तो 4,00,00,000 घर बनाना था जिसमें लास्ट अपडेट 2021 है। और बिहार राज्य का हम अनेक जिला का भी हमने सर्च किया है तो 2021-22 के बाद कोई भी जिला को जो है एलोटेड घर अभी तक नहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम चलते हैं प्रधानमंत्री शहरी के क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में क्या है कि टोटल जो है वह घर जो बना वह मात्र 82.36 लाख, माने 82.36 लाख ही घर कंप्लीट हो पाया है, लेकिन अभी बहुत सारा घर अनकम्प्लीटेड अभी वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। और तो इससे हमको साफ जाहिर है कि जो आवास योजना जो एक महत्वपूर्ण योजना है उसको हमारे गवर्नमेंट के द्वारा गरीब जनों को वंचित किया जा रहा है और इससे बहुत ही जो गरीब कौन है, सबसे ज़्यादा दलित है, आदिवासी है, शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इस सबके घर की अत्यंत आवश्यकता होता है। एक घर बहुत ही सपनों के साथ बनाता है और उसमें रहता है, अगर घर नहीं होता है तो उसको बहुत उसका घर नहीं रहता है जिसका उसको पढ़ने में लिखने में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की योजना को बिहार में को वंचित रखना एक बहुत बड़ी बात है और इससे साफ निर्णय होता है कि यह गवर्नमेंट का ध्यान इधर आकर्षित नहीं है और एकमात्र भारत में एकमात्र जो मुजफ्फरपुर जिला है जिसको वंचित ही कर दिया गया है। पिछले 5 साल से एक भी आवास प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। तो इस अब मेरा कहने का मतलब यह है कि आखिर इसको क्यों वंचित किया गया, इसको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, आखिर घर क्यों नहीं बना, यहाँ पर मिला क्यों नहीं, क्योंकि यह गरीब का चीज़ है, गरीब को मिलना चाहिए। तो
तो मेरा काम है आवाज उठाना। आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और यह चुनाव का मौसम है तो चुनावी